हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ब्लैक वाले शूज़ ये स्पार्क्स की तरफ से आते हैं। इसका मॉडल नंबर 406 है। ये मैंने सेकेंड टाइम बाय किए हैं। इसके पहले मेरे पास ग्रे वाले शूज़ थे इसके, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा। इसमें 3 से 4 कलर आते हैं। क्यों मैंने ये सेकेंड टाइम बाय किए शूज़, ये सब मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चलिए फिर फटाफट अनबॉक्सिंग से शुरुआत कर देते हैं। हमें ये 807 रुपए के पड़े। इसका 800 से 1000 के बीच में ही रेट चलता रहता है और ये ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पे मिल जाएंगे दोस्तों। आप लोगों को डिस्काउंट का पता नहीं मिलेगा कि नहीं। ये देखो, ये रही कुछ डिटेल्स। 9 नंबर मैंने मंगवाया है, MRP लिखी हुई है 1049। ब्लैक कलर है। इसमें 3 से 4 कलर आते हैं, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया। बॉक्स के ऊपर और कोई डिटेल नहीं है। बॉक्स को फटाफट खोल देता हूँ। ऊप्स, गिर गया। बॉक्स को खोलने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और अभी भी हूँ। फटाफट बॉक्स को खोल के आप लोगों को बता देता हूँ शूज़। ये वाले शूज़ बाय करने के लिए सेकेंड टाइम मेरे पास बहुत सारे रीजंस है। इसके पहले वाला जो मेरे पास ग्रे कलर में था सेम शूज़, उसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया दोस्तों। ये देखो, शूज़ आ गए बॉक्स के बाहर, एकदम जेट ब्लैक मस्त लग रहा है। दोनों शूज़ को निकाल देता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ शूज़ एकदम डिटेल में, अच्छे से ट्रायल करके भी बताऊँगा और बढ़िया तरीके से। ये देखो, ये इसके साथ में जो बैग आता है हर स्पार्क्स के शूज़ में, ये रहा वो बैग। अब इसको मैं रख देता हूँ साइड पर और हम जूते देख लेते हैं। मुझे इसका जेट ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया। यही सेम जेट ब्लैक में मेरे पास लोटो के शूज़ भी है, वो लोटो वर्टिगो 2 है। एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन ये शूज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल लग रहे हैं। इसका लुक बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक आ रहा है। नीचे EVA सोल है जो शूज़ को बहुत ज़्यादा लाइट वेट बनाते हैं। आगे मैं आप लोगों को वेट करके भी बताऊँगा। फर्स्ट इम्प्रेशन में तो कमाल ही कर दिया। जेट ब्लैक बहुत ज़्यादा मस्त है और सबसे अच्छी बात, इसकी फिटिंग बहुत बढ़िया बैठती है। इनके एक बार आप टैग वगैरह देख लो जो नॉर्मली हर स्पार्क्स के शूज़ के साथ आते हैं। ये एथलीजर वाले कैटेगरी में से आते हैं दोस्तों। ये देखो, इसके फीचर यहाँ पे लिखे हुए हैं। सारे फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा और ये कैसे केयर करना है शूज़ को, वो वाला टैग आया है। ये ऑलमोस्ट हर स्पार्क्स के शूज़ के साथ आता ही है। सैंडल लो, चप्पल लो, सबके साथ आता है ये वाला टैग दोस्तों। अब मैं निकाल देता हूँ इसके अंदर का जो कार्डबोर्ड है। पहले ऐसे पेपर आता था बट अभी शायद कार्डबोर्ड आने लगा है नया नया। मस्त लगता है दोस्तों वो भी एकदम। इसका जो अंदर का फॉर्म है वो बहुत ही मस्त फॉर्म है, एकदम सॉफ्ट वाला। ये पैडिंग जो होती है वो चिपकी भी होनी चाहिए बट ये निकल गई। बट हल्का सा गम लग रहा है पीछे, शायद बराबर चिपका नहीं है, पता नहीं क्या सीन है। बट पैडिंग इसकी बहुत ज़्यादा मस्त है। इसके पहले जो मेरे पास ग्रे वाला था ना, उसके अंदर की पैडिंग निकलती नहीं थी, बट इन वालों की निकलती है और पैडिंग के वजह से ही है पूरा गेम इस शूज़ का। बहुत सॉफ्ट पैडिंग है का पाँव में, एकदम है ना, एकदम सॉफ्ट लगता है। यही शूज़ पहनने के बाद ना आपको कोई और शूज़ पहनने का दिल ही नहीं करेगा। ये शूज़ आपकी ये आदत बिगाड़ देते हैं दोस्तों ये सोल के साथ ना शूज़ एकदम बढ़िया हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट कंफर्टेबल। वन ऑफ द बेस्ट शूज़ में से एक कहता हूँ मैं इन शूज़ को। इसके पहले जो मेरा ग्रे वाला था वो भी मैंने बहुत मस्त यूज़ किया है, एकदम आराम से बैठ गया दोस्तों इसका इनसोल। सबसे बेस्ट बात, ये एकदम मेंटेनेंस फ्री शूज़ होते हैं दोस्तों। धूल आ जाए तो आप इसको हल्का सा झाड़ के निकाल सकते हो और वेट कपड़े से पोंछ सकते हो, थोड़े गंदे हो तो। धोना इसको मैं रेगुलरली नहीं रेकमेंड करूँगा। ये देखो, ये इसका वेलक्रो है विथ इलास्टिक, पूरा मैश से बना हुआ है दोस्तों, तो वेंटिलेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं दोस्तों ये शूज़। इसके वॉल्स वगैरह में भी अच्छी कुशनिंग दी गई है ताकि आपके पैरों को एकदम कंफर्ट मिले, एकदम आरामदायक रहे हर जगह से। अब मैं सेम शूज़ को कंपेयर करके बताता हूँ, सिर्फ कलर अलग है। मैंने ये वाले शूज़ की अनबॉक्सिंग भी करी है और इसका रिव्यू भी किया है। अब मैं इन शूज़ को नहीं पहनता, लेकिन ये सेम शूज़ है, सिर्फ पुराने हो गए हैं, इसके लिए थोड़े अलग लग रहे होंगे, बट सब कुछ सेम है और बहुत वैल्यू फॉर मनी शूज़ है। अच्छे खासे चलते हैं, बहुत कंफर्ट देते हैं। बट हाँ, ये शूज़ बारिश के लिए नहीं बने हैं। इसके अंदर स्पंज है तो वो पानी सोखता है, तो आप इसे बारिश में अवॉइड करोगे पहनना तो अच्छा रहेगा। ये देखो, ये कुछ इसका सोल है, अभी भी वैसी कंडीशन में, सिर्फ हल्का सा घस गया है। अभी भी मैं चाहूँ तो आराम से 6 महीना 4 महीने ये वाले शूज़ को पहन सकता हूँ, बट मैंने अब इनको पहनना बंद कर दिया।
ये देखो ये EVS होल है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ मैं कि मेंटेनेंस फ्री है एक तरह से कहूँ तो। सिर्फ कपड़ा झाड़ना पड़ता है दो चार दिन में जब गंदे हो जाए तो। ये वाले जो शूज़ हैं इनको मैंने साफ़ ही नहीं किया, ये जो ग्रे वाले दिख रहे हैं, क्योंकि अब मैं नहीं पहनता, सिर्फ मैंने इसको एज अ सैम्पल रख रखा है। अभी भी इनका कुछ बिगड़ा नहीं है, कुशनिंग वगैरह हल्की सी लूज़ हुई है बट बहुत सॉफ्ट है, अभी भी पहनने में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और पाँव में ग्रिप वगैरह भी वैसी ही है बट हल्की सी हाँ स्लिप वगैरह होता है, क्योंकि नीचे से थोड़ा पीछे से घस गया है। और इसका वेलक्रो भी आप देख सकते हो थोड़ा सा लूज़ हो गया है। ये मैंने कुछ 999 में लिए थे और बहुत ज़्यादा वर्थ और वैल्यू फॉर मनी लगे मुझे। इसके लिए मैंने सेम मॉडल में दूसरा कलर का शूज़ लिया है। ये वाले शूज़ हैं वो आपको हर वेबसाइट पे हर शॉपकीपर के पास मिलेंगे, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग टॉप सेलिंग शूज़ में से एक है और मुझे भी लगता है एक्चुअली में बेस्ट है शूज़। अब मैं आपको वेट करके बता देता हूँ ताकि आपको एकदम परफेक्ट अंदाज़ा लग जाए। वैसे तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है शूज़, EVA सोल है और घसता भी नहीं है जल्दी, बहुत अच्छा चलता है। ये देखो एक शूज़ का वज़न आया 230 ग्राम दोस्तों, पहनने के बाद पता भी नहीं चलता कि आपने पहना है। इसके कंफर्ट के हिसाब से इसका वेट कुछ भी नहीं है, लिटरली बढ़िया शूज़ है। अब मैं आप लोगों को ट्रायल करके बता देता हूँ दोस्तों शूज़ कैसे लगते हैं। मैं आपको शॉर्ट्स में ट्रायल करके बता रहा हूँ क्योंकि ये शूज़ को आप कैजुअली भी यूज़ कर सकते हो और फॉर्मल्स पे भी पहन सकते हो, सेमी फॉर्मल वगैरह पे आराम से चलेगा। एथलीजर शूज़ है, जीन्स पे पहनो किसी पे भी पहनो, एकदम मस्त लगने वाले हैं दोस्तों शूज़ ये। ये शूज़ दिखने में तो ज़बरदस्त है ही बट इस शूज़ की जान है इसका इनसोल और इसका अंदर का कंफर्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इसमें 3 से 4 कलर आते हैं ये शूज़ में, सबके बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। अपना साइज़ मेजर करके मंगाना, आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर आप बाय करना चाहते हो तो। और ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पर आप लोगों को ये शूज़ मिलने ही वाले हैं बट डिस्काउंट का पता नहीं मिलेगा कि नहीं। ये शूज़ के मॉडल के लिए आप ब्लाइंडली जा सकते हो, मुझे बहुत पसंद है शूज़, मैं इसके लिए ये आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है दोस्तों ये शूज़। आपने अभी मेरे ग्रे वाले शूज़ की कंडीशन देखी, मैं चाहूँ तो उसको और थोड़ा सा रगड़ सकता हूँ बट ठीक है, मुझे लगता है 8-9 महीना अगर अपन रोज़ पहनते हैं शूज़ को तो वो उतनी ही लाइफ देता है, फिर उसके बाद में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और ये मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने वो शूज़ को इतना यूज़ किया, इतने घंटे तक, इतने लॉन्ग आवर्स तक पहना बट मुझे कभी लेग पेन वगैरह वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऑल ओवर आप इस शूज़ को कंसिडर कर सकते हो दोस्तों। आप लोगों की कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी हो मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरे चैनल पे चेकआउट कर लो और बहुत सारा कंटेंट है, आप लोगों को शायद पसंद आ जाए। और चैनल के साथ बने रहे दोस्तों और बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।